गुड मॉर्निंग गाइस, आज है रामपुर से चितकुल तक का सफ़र। राजस्थान जिप क्लब की सारी गाड़ियां खड़ी हैं, ये देखिए हेक्सा को मैंने कर दिया है फुली लोड। और अब हम निकलने लगे हैं कॉन्वॉय में, चलो। यार हम पहुंच चुके हैं किन्नौर की चेक पोस्ट। अब यहाँ पे हमें अपनी कराने की एंट्री सारी गाड़ियों की। और फिर हम बढ़ेंगे आगे चितकुल की ओर। तो यार पीछे है कॉन्वॉय और वो है क्लिफ हैंगर सेक्शन किन्नौर का। अब हम वहाँ से करेंगे गाड़ियाँ सारी क्रॉस और आप देखो वीडियोस। तो यार मैं हूँ सांगला में और कर लिया है मैंने लंच। पूरी कॉन्वॉय लंच पे अभी है और मैं वेट कर रहा हूँ सबका और हम पहुँचेंगे चितकुल। सांगला का व्यू देखो। डिस्टेंस अभी बचा है 23 किलोमीटर और टाइम बचा है 1 घंटा 10 मिनट। पर ये जिस स्पीड से चल रहे हैं हम 1 घंटा 10 मिनट से कम ही लगेगा हमारे को। और तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं आराम से चलूँ धीरे धीरे, बट अब कॉन्वॉय के साथ आए हैं तो कॉन्वॉय के साथ चलना पड़ेगा। तो चलो ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो यार मैं पहुंच चुका हूं पूरे कॉन्वॉय के साथ चितकुल और हम हैं रिवर साइड पे। ये बह रही है बसपा रिवर और ये खड़ी है गाड़ी। कैसा लग रहा है व्यू बताओ? आपको काफ़ी शॉट्स देखने को मिले होंगे 360 डिग्रीज और कार के डैशबोर्ड के शॉट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अब थोड़ी देखो मस्ती, फिर चलते हैं आज के स्टे पर।
तो यार काफ़ी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बाद इस अमेजिंग व्यू के साथ हम रहेंगे आज के पूरे दिन। और अब यहाँ से चला टाइम आ गया है होटल चलने का, तो अब आपको होटल में मिलता हूँ। यार हम आ चुके हैं होटल शहनशाह में। ये है यहाँ से व्यू, अंधेरे में कुछ पता नहीं लगेगा बट थोड़ा पार्किंग का स्पेस मिल गया यहाँ पे। देखो और आपको अब आपको देता हूँ रूम टूर। मीट अंकुर, हाय माय रूममेट। ये है सादा सा रूम जिसकी कॉस्ट मुझे नहीं पता क्योंकि पूरे मैं ग्रुप में आया हूँ। और ये है बाथरूम, बहुत ही बेसिक है क्योंकि ये चितकुल एक छोटा सा आप विलेज कह सकते हो। अभी अभी तो यहाँ पे नेटवर्क आने शुरू हुए हैं। पिछले बार जब मैं यहाँ पे आया था, जो आप व्लॉग आपको दिख जाएगा यहाँ पे, उसमें तो मेरे पास नेटवर्क भी नहीं था यहाँ पे, सिर्फ BSNL की सिम लेनी पड़ती थी। अब तो जियो का 4G नेटवर्क आ रहा है पोस्टपेड में, एयरटेल का नहीं आ रहा है जस्ट अपडेट। सो दैट्स सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू। अब मैं खाऊँगा खाना और आज थोड़ा सा फन हुआ, स्नो ड्राइव करी, हल्की सी स्नो ड्राइव, इसे एक्चुअली मैं कहेंगे नहीं ज़्यादा टफ स्नो ड्राइव, मैं पूरे टाइम 4x2 किया था। एंड कार इज़ वेरी केपेबल, ऑल्दो नॉट एन ऑफ रोडर, बनाने की कोशिश करी है, काम अच्छा चल रहा है। बताना आपको शॉर्ट्स कैसे लगे और अब आपको मिलूँगा आगे।